Hello everyone. In this video, we will start our first lesson that name is Lonely Sunday. But before we go ahead, I want to just show you your new book. Okay. Look at here. This is your new book. Everyone, you know about that. Actually, my front camera is open. That's why you will. I think this is show just like opposite. Okay. So I hope you just understand that. Okay. So this is your new book. New syllabus also. And in this lesson, in this book, here is your first lesson. Definitely, it will be also opposite. Okay. So anyway, forget that. You can check in your book. You can check in your book. And in this lesson, we are going to study about one boy. His name is Jochen. His name is Jochen. And in this video, I'm just convert this all lesson in Hindi. I'll just translate. In Hindi. Okay, so I'm just starting reading. Let's see. Just view the concentration in your book. First number. Here is the first chapter. That name is Lonely Sunday. Okay, and that author is Sigrun Srivastava. Sigrun Srivastava ने इन्हें लिखा है. इस lesson को लिखा गया है. Okay, then मैं lesson start करता हूँ. I just start that lesson. Jochen is unhappy with the way things are at home. A lot of things upset him. His studies, his neighbors, the going away of his father, and even the town he is leave in. Actually, इस lesson में एक लड़का है जिसका नाम Jochen है और ये काफी निराश हताश है या फिर upset है. What can we say that in a shortly language? He is upset. Okay. अभी वो अपसेट क्यों है? जो कुछ उसके सराउंडेड एरिया में हो रहा था, व्हाटएवर जस्ट हैपनिंग सराउंडेड हिम, ओके सराउंडेड हिम, दैट्स व्हाई ही वाज नर्वस, दैट टाइम्स ही वाज नर्वस, इसलिए वो नाराज था. अभी वो कैसे किससे नाराज था? उसके नेबर से, उसकी स्टडीज से और उसके पप्पा की वजह से भी वो नाराज था. देन और जहाँ पे वो रहता था वो तो सबसे बड़ी एक बात थी कि उससे भी वो नाराज था जहाँ पे वो रह रहा है. देन व्हाट इज इट दैट मेक्स हिम टर्न अराउंड वन डे एंड ट्राई टू मेक अ डिफरेंस. और अचानक से उसके साथ ऐसे क्या हुआ या फिर उसने अचानक से क्या किया कि उसने कुछ अलग सा कर दिखाया या फिर अलग सा किया डिफरेंस. देन ये था यहाँ का शॉर्ट वाला. ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस फ्रॉम दिस लाइन. सी, फॉर जॉर्जन ब्रक संडे वाज द वर्स्ट डे ऑफ द वीक. अभी यहाँ पे देखो इस लाइन में जॉर्जन ब्रक कहता है कि संडे टोटली बोर डे है या फिर खराब दिन है. संडे एक खराब दिन है. Then, on Sunday, the street of Ansbach in South Germany were deserted. There were no children in the playground either. There was nobody to talk to. अभी उसने ये क्यों कहा? क्योंकि जहाँ पे वो रहता है, वो जर्मनी में रहता है. जर्मनी में एक Ansbach नाम से एक सिटी में, okay, एक सिटी में रहता है. तो वो उसका ये कहना है कि संडे के दिन वहाँ पे जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे ना कोई उसके साथ खेलने के लिए है ना कोई उसके साथ बात करने के लिए है. अगर हम बाहर देखते हैं या फिर अगर जॉर्जन बाहर देखता है तो सारे रास्ते सुनसान दिखाई देते हैं. तो डेफिनेटली जॉर्जन को फील अलोनली, राइट. तो इसलिए जॉर्जन ने कहा कि संडे टोटली खराब दिन है. अभी आगे देखते हैं आगे वो क्या कहता है. जॉर्जन ओपन द डोर टू द बालकनी ऑफ हिज अपार्टमेंट. फ्रॉम हेयर ही हैड अ वंडरफुल व्यू ऑफ द मेडिवल टाउन ऑफ Ansbach. ओके, जॉर्जन ने भी क्या किया है कि एक जहाँ पे वो रहता है उसके अपार्टमेंट से एक डोर ओपन किया. डोर ओपन करने के बाद उसने देखा क्या, एक बहुत ही अच्छा, जस्ट लाइक वंडरफुल, इट वॉज वंडरफुल व्यूज. ओके, और एंड दैट व्यूज बिलोंग्स टू मेडिवल. मेडिवल मतलब क्या होता है? सेंचुरी, 11th to 15th century के बीच में का, 11th to 15th century के बीच में का ड्यूरेशन. ओके, देन अभी वो कैसा होता है? इफ ही क्रेन हिज नेक ही कुड सी द गार्डन ऑफ द ब्लैक नाइट रेस्टोरेंट वेयर हिज मदर वर्क एज अ वेट्रेस. ओके, जैसे ही अभी वो अपार्टमेंट से गार्डन की तरफ देख रहा है, पार्क की तरफ देख रहा है, सो दैट टाइम्स व्हाट हैपेंड दैट ही कैन जस्ट एक्सटेंड हिज नेक मींस व्हाट दैट लुक एट हियर. Here is my neck. Okay. Right now I'm watching at you. Okay. But for example, अगर मुझे और थोड़ा लंबा देखना है या फिर और थोड़ा दूर देखना है तो मैं क्या करूँगा? मेरी जो नेक है इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा, है ना?
इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे थोड़ा और दूर का देखना है तो मैं इस टाइप से करूँ, बढ़ गई ना। तो दैट लाइक से जॉर्जन ने भी क्या किया, जॉर्जन ने एक्चुअली इफ ही जस्ट क्रेन हिज नेक, अगर वो उसकी गर्दन को या फिर उसके नेक को थोड़ा सा क्रेन करता है, थोड़ा बढ़ाता है, तो उसको क्या दिखेगा, तो उसको क्या दिखेगा, ही कुड सी द गार्डन ऑफ द ब्लैक नाइट रेस्टोरेंट। ओके, उसके आगे क्या है, एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है ब्लैक नाइट, जिसका नाम है ब्लैक नाइट। ओके, देन वेयर इज मदर वर्क एज अ वेट्रेस, और उस रेस्टोरेंट में जॉर्जन की मम्मी काम करती है एज अ वेट्रेस। जॉर्जन की मम्मी काम करती है एज अ वेट्रेस। जॉर्जन मिस हिज मदर द मोस्ट ऑन संडे, और जॉर्जन अपनी माँ को जनरली संडे के दिन ज्यादा से ज्यादा याद करता है, मिस करता है। ओके, संडे हैड बीन सो वंडरफुल व्हेन हिज फादर हैड बीन लिविंग विद देम। अभी जॉर्जन कहता है कि संडे काफी अच्छा था, संडे काफी अच्छा था, कब, जब उसके पप्पा, जॉर्जन के पप्पा उसके साथ रहा करते थे, उसके साथ रहा करते थे, तब संडे काफी अच्छा था। देन मदर वुड प्रिपेयर रोस्ट चिकन एंड पोटैटो, और संडे के दिन उसकी मम्मा जॉर्जन के लिए पोटैटोज बनाया करती थी, रोस्टेड चिकन बनाया करती थी, इसलिए जॉर्जन को लगता था कि संडे काफी अच्छा है या फिर अच्छा था उस वक्त। ओके, नाउ द अरोमा ऑफ हर मार्वेलस ग्रेवीज वुड मेक द नेबर्स लीन ओवर द बालकनी रेलिंग एंड कॉल आउट दैट स्मेल्स रियल गुड मिसेस ब्रक, यू मस्ट गिव मी दैट रेसिपी। ओके, अभी जस्ट फॉर एग्जाम्पल उस वक्त क्या होता था, जब जॉर्जन की मम्मी जॉर्जन के लिए या फिर उसके फैमिली के लिए जो कुछ भी डिशेज बनाती थी खाना खाने के लिए। ओके, सो दैट टाइम्स व्हाट विल हैपन, और दैट टाइम्स व्हाट हैपन एक्जैक्टली, जो कुछ भी डिशेज डिलीशियस, एक्चुअली हम उसके लिए डिलीशियस वर्ड्स यूज करेंगे, क्योंकि जब कभी भी वो बनाती थी, ओके, तो उसका जो स्मेल है, बेस्ट स्मेल, ओके, बेस्ट स्मेल, वो जो स्मेल है वो स्प्रेड हो जाता था, वो स्प्रेड हो जाता था। तो वहाँ पे एक लेडी थी, मिसेस मेयर, और वह क्या करती थी, वो रिप्लाई करती थी या फिर कमेंट देती थी कि आप जो कुछ भी बना रहे हो उसका स्मेल बहुत ही लाजवाब है ना, बहुत ही लाजवाब है। देन अभी जब वो बोलती थी तब वो कैसे बोलती थी, अभी वो एक घर में तो नहीं रहते थे, राइट, उनका अपार्टमेंट अलग अलग था, तो बैल्कनी से वो ऐसे ही देखकर दैट स्मेल्स रियली गुड इस टाइप से वो बोलती थी या फिर बोला करती थी। देन दैट स्मेल्स रियल गुड मिसेस ब्रक, यू मस्ट गिव मी दैट रेसिपी, और ये भी बोला करती थी कि जो कुछ भी आप बना रहे हैं उसकी रेसिपी भी थोड़ा सा मुझे दे दो, उसका रेसिपी मुझे दे दो। मदर वुड लाफ एंड अग्री, और जैसे ही ये सुनते थे, वो सुनने के बाद मदर मतलब जॉर्जन की मम्मा हंसा करती थी, हंसती थी और कहती थी या श्योर वाई नॉट, क्यों नहीं, मैं आपकी तरफ वो भेज दूंगी। ओके, और जो कुछ भी जॉर्जन की मम्मा डिशेज बनाती थी, रोस्टेड चिकन या फिर पोटैटोज, उसमें से थोड़ा सा पोर्शन उन्हें भेजा करती थी, ओके, देन मदर वुड लाफ एंड अग्री, शी वुड से a portion of their Sunday meal over to Mrs. Mayer, who never bothered to cook for herself. Okay, इस लाइन में Mrs. Mayer के बारे में बताया है कि Mrs. Mayer कैसी है। Okay, actually वो खुद खाना नहीं बनाती थी, delicious खाना नहीं बनाती थी। Okay, और जब कभी भी जॉर्जन के घर पे बनता था तो वहीं से आ जाता था। Got it, then जॉर्जन एंड हिज फादर would play football on the lawn. Long, his father was a good goalkeeper. He was good at table tennis too. Okay, अभी जॉर्जन एक्चुअली उसके लास्ट संडे के बारे में बता रहा है, पास्ट संडे, उसने जो कुछ भी संडे देखे हैं, वो संडे के बारे में जॉर्जन अभी बता रहा है कि जब उसके पापा उसके साथ थे, जब उसकी मम्मी उसके साथ थी, तो उसके लिए मम्मी खाना बनाया करती थी अच्छा, और मोस्ट ऑफ द संडे, एंड पापा उसके साथ गार्डन में खेला करते थे, फुटबॉल खेला करते थे, उसके पप्पा एक अच्छे से गोलकीपर भी थे एज वेल एज उसके पप्पा टेबल टेनिस में भी माहिर थे, और ये सारी चीज़ें वो पार्क में या फिर गार्डन में खेला करते थे, जॉर्जन और जॉर्जन के पप्पा। नाउ आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है।
He was good at table tennis too. Jochen sighed. He stared down at the lawn where Monica and Peter were playing ball with their father. अभी देखो, ये सारा जो दृश्य है और जॉर्जन बालकनी में खड़ा है, बालकनी में खड़ा होकर ये सोच रहा है, याद कर रहा है, और उसी वक्त क्या हुआ है कि जॉर्जन ने पार्क की तरफ देखा तो वहां पे मोनिका और पीटर अभी इस स्टोरी में और दो बच्चे आए हैं, मोनिका और पीटर. एक्चुअली दे वर प्लेइंग इन दैट गार्डन, वो अपने गार्डन में खेल रहे थे उनके पप्पा के साथ. ओके, उनके पप्पा के साथ. सो दैट टाइम्स जॉर्जन वॉज स्टेयरिंग एट दैट साइड. स्टेयरिंग मतलब घूर कर देखना. जॉर्जन उनको घूर कर देख रहा था. ओके, जॉर्जन उनको घूर कर देख रहा था. जॉर्जन साइड ही स्टेयर डाउन एट द लॉन वेयर मोनिका एंड पीटर वेयर प्लेइंग बॉल विद देयर फादर. देन ही वॉच्ड देम फॉर अ व्हाइल देन टर्न अवे एज द मेमोरी ऑफ हिज फादर ब्रॉट टीयर्स टू हिज आईज. अभी जॉर्जन ने कुछ देर उनको देखा, वो जैसे खेल रहे, देखा मतलब इतने प्यार से भी नहीं देखा, he was staring at that side. वो घूर कर देख रहा था. और उसके बाद जॉर्जन को उसके पुराने दिन याद आए जब उसके पप्पा उसके साथ खेला करते थे पार्क में. ओके, पार्क में खेला करते थे. तो ये सारी बातें उसे याद आने के बाद उसकी आंखें में या फिर उसकी आंखें में नमी छा गई, थोड़ा सा नमी छा गई उसकी आंख में. ओके, देन आगे ये कहता है, Why had his father left them? Why? अभी वो अपने ही मन से पूछ रहा है, अपने ही मन से पूछ रहा है कि मेरे पापा मुझे छोड़कर क्यों चले गए? क्यों? Why? He hated this lonely Sunday. इसलिए या फिर ये संडे को ये बहुत ही हेट करता है. Then, Jochen turned back into his room and slammed the door shut. Means for that, Jochen turned. Jochen अभी मुड़ गया वहाँ से. पहले वो बालकनी में खड़ा था और वो पूरा व्यू देख रहा था जो कुछ भी whatever just happening in that garden. So that time she was watching. Okay, but finally last में जॉर्जन वहां से मुड़ चुका था. टर्न ही जस्ट टर्न और वो अपने घर में आया. और जैसे वो घर में आया तो उसने उसके डोर मतलब जो उसके घर का दरवाजा था उसने सब धाड़ करके लगा दिया, है ना, जोर से. सो इट इज नोन एज स्लैम. स्लैम SLAMMED. स्लैम मतलब दरवाजा जोर से लगा देना, जोर से लगा देना. ओके, इट इज स्लैम, इट इज स्लैम. नाउ इन नेक्स्ट पेज ही लुक एट द अनटाइड बेड एंड द डर्टी क्लॉथ स्कैटर्ड ऑल ओवर द कारपेट इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम ले हिज स्कूल बैग. ही वाजंट गोइंग टू डू हिज होमवर्क नाउ, नॉट टुडे. अभी जॉर्जन जब उसके रूम में आया दैट टाइम्स ही कैन सी, वो देख सकता था कि उसकी रूम अनटाइड थी. अनटाइड मीन्स फॉर दैट दैट इज नॉट अ प्रॉपर. उसके सारे कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे, एज वेल एज उसकी बैग एक कॉर्नर में पड़ी हुई थी, एक कोने में पड़ी हुई थी. देन और बहुत दिनों से जॉर्जन होमवर्क भी नहीं कर रहा था या फिर नहीं कर पा रहा था. ओके, और ना ही वो आज भी करने वाला है, ना ही वो आज भी करने वाला है. देन इसलिए इसमें ऐसा बोला है नॉट टुडे, आज भी नहीं करेगा. ही हैड टू गेट आउट ऑफ हियर फास्ट टू अ प्लेस वेयर ही कुड फील एट इजी अगेन. इजी अगेन मतलब उसे ऐसी जगह पे जाना था कि जब वो वहां पे जाएगा, वहां पे जाने के बाद उसे फील हो रिलैक्सेशन का या फिर उसका माइंड फ्री हो जाए, उसका माइंड फ्री हो जाए, ऐसी जगह पे उसको जाना था. ओके, नेक्स्ट He slipped into his light cotton jacket and was soon down in the street. इसलिए उसने फटाक से light cotton jacket पहन लिया और रास्ते पर आया. Okay, और रास्ते पर आया. He ran alongside the wooden fence of their neighbors and was greeted by Ferdinand. Ferdinand, the big Alstian with a bark. अभी जैसे ही वो उसके बालकनी से नीचे आया, जैकेट पहन के आया, ओके, जैकेट पहन के आया, रोड पर आया. रोड पर आने के बाद वो आगे जा रहा था. आगे जाते वक्त एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, आगे जाते वक्त मतलब एक्चुअली दैट एरिया, एक्चुअली दैट स्ट्रीट वाजंट लोनली. ओके, वो नेबर्स थे, उसके अड़ोस पड़ोस के टोटली नेबर्स थे और उस रोड से वो जा रहा था, उस रोड से वो जा रहा था. तो उसी वक्त हुआ ये, उसी वक्त हुआ ये कि वहां पे दो वर्ड्स यूज किए हैं, फर्डिनेंड एंड अल्स्टाइन. अल्स्टाइन मतलब क्या होता है, ये एक डॉग का काइंड है,
जस्ट लाइक आपको पता होगा, एक्चुअली मुझे इतने डॉग के बारे में इतना पता नहीं, लेकिन जैसे हम बोलते हैं जर्मन शेफर्ड है ना, कुत्ते तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, ओके, हमारे इंडिया में कुत्तों की कमी नहीं है, बहुत सारे हैं, बट जर्मन शेफर्ड है, पिटबुल है, रॉटविलर है, इस टाइप से है, राइट, मतलब क्या कहते हैं हमारे लैंग्वेज में, ब्रांडेड है ना, ब्रांडेड है इन शॉर्टली जो कुछ भी रहेगा। तो ये जो वर्ड्स यहाँ पे यूज किया गया है, अल्स्टाइन, अल्स्टाइन ये एक काइंड है उसका, कुत्ते की जाति का प्रकार है। देन और फर्डिनेंड, फर्डिनेंड इट इज नेम ऑफ दैट डॉग, फर्डिनेंड ये नाउन है, ओके, और ये उस कुत्ते का नाम दिया गया है इस स्टोरी में। एक्चुअली फर्डिनेंड को अगर आप यूज करोगे या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगे तो एक राजा का भी नाम था, वो एक राजा का भी नाम था नियर अबाउट सेंचुरी 14 समथिंग, ओके, 14 सेंचुरी में एक किंग का नेम था वो, गॉट इट। तो अभी उस वक्त हुआ ये था कि जब जॉर्जियन रोड से जा रहा था तब क्या हुआ, ही रन अलोंग साइड द वुडन फेंस ऑफ देयर, रन अभी वो भागने लगा है, अलोंग साइड द वुडन फेंस ऑफ देयर नेबर्स एंड वॉज ग्रीटेड बाय फर्डिनेंड द बिग अल्स्टाइन विद अ बार्क, फर्डिनेंड फर्डिनेंड लव जॉर्जियन ब्रक, वन डे आई विल आउट रन यू। अभी उसने क्या कहा है, मतलब जॉर्जियन ने कुत्ते को कहा कि एक दिन में तुम्हें हराऊंगा, एक दिन में तुम्हें हराऊंगा। देन ही वाज अज्यूम बट इट डिडंट मेक हिम फील बेटर, अभी उसने वो तो क्लियर कर दिया, इसने वो बोल दिया, लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं तो लग रहा था कि मैंने कुछ खास नहीं किया है, उसे फील नहीं हो रहा था, जस्ट लाइक फीलिंग गुड ऐसा उसे नहीं लग रहा था। देन आगे देखते हो क्या कह रहा है, देन ही वेयर इज दैट, he started to kick all the conkers on the pavement, sending them flying across the street, on fell on Mrs. Hammerstein's sunshade, her head pop out from behind her neatly trimmed fence। अभी देखो उसने क्या किया, जब वो रास्ते से जा रहा था तो सबसे पहले उसे फर्डिनेंड मिला, फर्डिनेंड से उसे बात कर ली, ओके, देन अभी जो कुछ रास्ते पे कंकड़ थे, लिटिल बिट स्टोन, कंकड़, कंक्रीट, वी कैन Call it concrete also. Okay. So, वो अपने पैरों से मार रहा था, वो अपने पैरों से उसको किक दे रहा था, मार रहा था, तो उसमें से हुआ ये था कि एक दो कंकड़ सनशेड पर जाकर गिरे, ओके, सनशेड पर जाकर गिरने के बाद एक्चुअली वो सनशेड जो था वो किसका था, मिसेस हैमरस्टाइन का था। तो जैसे ही वो कंकड़ वहां पर जाकर गिरे तो उसमें से हैमरस्टाइन को कंकड़ लग गया, ओके, एक कंकड़ लग गया। सो दैट टाइम्स व्हेन शी जस्ट इंजर्ड, सो दैट टाइम्स शी सेड, ऑफ कोर्स इट्स यू जॉर्जनबर्ग, शी सेड। अब उसने क्या कहा, मुझे लगा कि ये तुम ही होगे, मुझे लगा कि ये तुम ही होगे, ओके, मतलब शी वाज श्योर, वो श्योर थी कि ये यही है, ऐसे कारनामे यही करता है, ओके, ऐसे करना में यही करता है। Then, of course, it's you, Jorgenbrock, she said crossly. You will never learn to behave. Think of your mother, boy. Poor woman slaving away for an ungrateful boy like you. So, उसने कहा कि मुझे पता ही था कि ये तुम ही होगे। थोड़ा सा मैनर्स सीखो, और उसने आगे ये बोला है, एक्चुअली ये जो बताया है उसने सजेशन नहीं दिया है, ध्यान में रखना, उसने सजेशन नहीं दिया है, ये वर्डिंग उसने क्रॉस में बोली है ना, ये वर्डिंग उसने क्रॉस में बोली है। देन अभी उसने क्या कहा है, यू विल नेवर लर्न टू बिहेव, और तुम कभी भी अच्छे रहने का सीख ही नहीं सकते, है ना, तुम ऐसे थे, ऐसे हो और ऐसे ही रहोगे, उसका मीनिंग ये था। देन थिंक अबाउट योर मदर, तुम्हारे माँ के बारे में सोचो, वो तुम्हें पालने के लिए काम कर रही है, थोड़ा अपनी माँ के बारे में सोचो। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आया है ना, यहाँ तक समझ में आया, ये हमारा पार्ट वन है, ओके, अभी पार्ट टू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और पार्ट थ्री में हमारा लेसन एंड हो जाएगा। मतलब इन शॉर्टली अभी मैं आपको रिकॉल करता हूँ, शॉर्ट में यहाँ पे एक जॉर्जियन नाम का लड़का है, काफी बोर है, या फिर उसे लग रहा है कि संडे बहुत बेकार है, क्यों, उसकी मम्मा पापा उसके साथ नहीं है, वो अलोन फील कर रहा है, लेकिन उसे लगा कि मैं कुछ तो बाहर जाकर कुछ अलग सा करूंगा। फिर बाहर आया, भागते भागते एक डॉग था,
डॉग को उसने पाल किया, डॉग का नाम था फर्डिनांड, ओके फर्डिनांड। देन उसके बाद आगे जा आगे गया, वो कंकड़ से पैर से मारने लगा, फिर एक कंकड़ सनशेड पर जाकर गिरा, जो सनशेड किसका था, मिसेस हैमरस्टाइन का। देन वो कंकड़ उसे थोड़ा सा लग गया, फिर उसने दो चार बातें उसको सुना दी। यहाँ तक हमारा लेसन आ गया है, राइट। अभी आई होप दैट यू जस्ट अंडरस्टैंड, सॉरी अंडरस्टैंड नहीं, यू जस्ट अंडरस्टूड, ओके। मतलब आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है, राइट, अंडरस्टूड, गॉट इट। सो इसके आगे की जो स्टोरी है या फिर उसके आगे का जो लेसन है, वी शैल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बाय।